सभी बच्चों का इंद्रास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। इसमें हम लिटरल कोफिशियंट है x वाले नंबर्स यानी 5x और 3x और नंबर कोफिशियंट है 2 एंड 12। इन्हें हम एक अलग अलग साइड में शिफ्ट करेंगे। 5x के साथ हम 3x लेके आएंगे तो राइट से लेफ्ट में आने पर वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 12 है वो प्लस का रहेगा और 2 को जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का होगा। 5 माइनस 3 2x, 12 माइनस 2 10। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर अब 2 मल्टीप्लाई के साथ है तो 10 में वो डिवाइड के साथ चला जाएगा। 2 5 10, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 15। 6y के साथ हम 2y को शिफ्ट करेंगे तो राइट से लेफ्ट में आने पर 2y माइनस का हो जाएगा। 15 राइट हैंड पे है, 9 को माइनस 9 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस 9 का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 15 प्लस 9 24। y इज इक्वल टू 24 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड में आने पर डिवाइड में 4 6 24, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस x। 2x लेफ्ट में है, राइट से हम x को लेके आएंगे तो वो माइनस से प्लस x हो जाएगा। 9 राइट में है, माइनस का 3 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस का 3। 2 प्लस 1 यानी x के आगे कोई नंबर नहीं है, 1, 2 प्लस 1 3 और 9 प्लस 3 12, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। 3 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 8a प्लस 1। 2a के साथ 8a को लेके आएंगे तो 8a प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 1। और 5 को जब इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड में तो वो प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 माइनस 8 माइनस 6a। 5 1 प्लस 5 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 6, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन b+3 इज इक्वल टू 33 माइनस b। प्लस का b यहाँ पर है, माइनस के b को जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो भी प्लस का b हो जाएगा 33। और 3 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, b+b यानी 1 प्लस 1 2b। 33 माइनस 3 30। b इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू आएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9x प्लस 3x इज इक्वल टू 2.5x प्लस 3। 1.9x 2.5x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस का 2.5x, 3 यहीं पर है, इसके साथ हम माइनस का 3.6 लिखेंगे क्योंकि यहाँ लेफ्ट में ये प्लस का है, राइट में शिफ्ट करने पर माइनस में कन्वर्ट होगा। 2.5 में से 1.9 माइनस करेंगे, 2.5 में से 1.9 माइनस करने पर आएगा 0.6, तो हम यहाँ लिखेंगे -0.6x इज इक्वल टू और 3.6 में से 3 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 0.6 आएगा, -0.6। साइन लगाएंगे 3.6 का क्योंकि 3.6 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.6, इसको कैंसिल करेंगे 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 16।
6x इज इक्वल टू 16 माइनस 14, x इज इक्वल टू 16 माइनस 14 2, और यहां से 6x जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो 2 अपॉन 6, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्लस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 7 को हमें राइट हैंड में शिफ्ट करना है, 5 में से हम 3x माइनस करेंगे 2x, 21 माइनस 7, 2x इज इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2x प्लस 4.8x इज इक्वल टू 18। 1.2 प्लस 4.8 करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 6। 6x इज इक्वल टू 18। 1.2 में 4.8 प्लस करेंगे तो यहां पर 6 आएगा, इस तरह 6x इज इक्वल टू 18। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 इज 18, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ब्रैकेट में है 5x माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। अब हम 6 का ब्रैकेट के अंदर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 इज 30, x माइनस 6 2 इज 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। ये प्लस का 12 यहां से आया, अब प्लस 12 माइनस 12 तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 30, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।